आज की हमारे पहले वीडियो में ये लड़की किसी पार्क में बिल्कुल ठीक ठाक जाती है, लेकिन जब ये लड़की वापस अपने घर आती है तो इस लड़की से चला तक नहीं जाता है। ऐसा लगता है कि मानो इसे मोच आई हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ये लड़की उस पार्क में से अपने साथ किसी आत्मा को ले आई है और अब वो इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, इसे जिंदा मारने वाली है। जरा तुम लोग खुद देखो कि इस लड़की को वो आत्मा इसके घर में घुसने नहीं देती है और इसे खींच कर पीछे अपनी ओर ले आती है। आज का हमारा दूसरा वीडियो इंडोनेशिया के किसी खंडर मकान का है। जब ये बंदा यहाँ की जांच पड़ताल कर रहा था तो इसी बीच सामने कोई जीव बैठा हुआ रिकॉर्ड हो चुका है। ये कोई जीव है या इंसान, इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन अचानक पीछे से कोई डायन आकर हमला कर देते इस बंदे को मारने की कोशिश करती है। फिर कोई अंधे की ताकत इस बंदे को अपनी ओर खींच लेती है, तुम लोग खुद देख सकते हो। फिर कब्र में से मुर्दा कोई उठ के खड़ा हो जाता है, एक शैतान भी आ जाता है और कई सारी डायने आ जाती है। ये सब इस बंदे को मिलकर मारने की कोशिश करते हैं। हालांकि जब ये बंदा इस घर में आने वाला था, इससे पहले ही लोगों ने कह दिया था कि इस घर में मत जाओ, इस घर में कई सारी अजीबोगरीब चीजें रहती हैं। लेकिन इस बंदे ने उनकी एक बात तक नहीं सुनी, तो आगे इस वीडियो में जो होने वाला है उसे देखकर तुम लोग भी डर सकते हो, हैरान और परेशान हो सकते हो। तो जरा तुम लोग खुद ही देखो कि आगे क्या हो जाता है। Sinten, ya Allah, John! Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada meraya. Anjir, John, senter lu mati, woy. Gak jelas, men. Punten, sampurasun. Gua masih penasaran, men. आज की हमारे तीसरे वीडियो में कुछ फ्रेंड मिलकर किसी सुनसान जगह की जांच पड़ताल करने आ जाते हैं, लेकिन यहीं पर इसी जगह पर इन लोगों का एक साथी कहीं खो जाता है। ये लोग समझते हैं कि शायद वो बंदा हमारे साथ प्रैंक कर रहा है, लेकिन काफी टाइम गुजर जाता है, अभी तक वो बंदा मिला तक नहीं है। ये लोग उस बंदे की लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, खैर अभी इन्हें लोकेशन मिल चुकी है। ये लोग भागते हैं, उस लोकेशन का पीछा करते हैं। जब ये लोग यहाँ पेड़ के पास आते हैं तो सामने तुम लोग देख सकते हो कोई चुड़ैल बैठी हुई रिकॉर्ड हो चुकी है और ये चुड़ैल किसी इंसान को खा रही है। क्या ये इनका साथी है जिसे ये चुड़ैल खा रही है, इस बारे में मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जैसे ही पीछे पलट के ये चुड़ैल देखती है तो इसका भयानक चेहरा रिकॉर्ड हो जाता है और ये इन बंदों को खाने की कोशिश करती है, इन सब के पीछे लग जाती है, इन्हें मारने की कोशिश करती है। Hello? What the fuck? Stop. Fuck, that's very shaming. Go, man. What's up? I don't know if someone was eating soup. It looked like I was really
आज के हमारे चौथे वीडियो में कुछ गोस्ट हंटर मिलकर किसी जंगल की जब जांच पड़ताल कर रहे थे, तो इसी बीच यहाँ पर इन लोगों का सामना किसी नंगे पुंगे इंसान से हो जाता है। यह इंसान बिल्कुल नंगा था और यह अजीबोगरीब तरह से चल रहा था, पूरा खून से रंगा हुआ था। इसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि ये कोई इंसान है, मुझे तो ये शैतान लग रहा है। ये कोई शैतान है, शैतान। Run. Uh-oh. Go! No! Run! Fuck! We gotta take the car. What the fuck? What the hell? What the hell? आज के हमारे आखिरी वीडियो में एक लड़की ठीक 2 साल बाद अपनी माँ से मिलने वापस अपने घर आती है, तो ये लड़की अपनी माँ को किस हालत में देखती है तुम लोग खुद देख सकते हो। इसकी माँ तो एक डायन बन चुकी है और ये लड़की गले लग कर रोने लग जाती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, ये हालत किसने की, मेरी माँ को क्या हुआ। ये बहुत ज्यादा रोती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ये जो डायन पड़ी हुई है ये इसकी माँ अजीबोगरीब तरह से हंसने लग जाती है और अपनी बेटी को मारने की कोशिश करती है, तुम लोग खुद देख सकते हो उसका दबा देती है। खैर ये अगले दिन का फुटेज है, यहाँ पर ये लड़की खुद पोजेस हो चुकी है और अजीबोगरीब तरह से हरकतें कर रही है, ऐसा लग रहा है कि मानो किसी चुड़ैल की आत्मा इसके ऊपर आ गई हो। खैर थोड़ी देर बाद ही जैसे ही अपने माँ के गले लगती है, तो उसके बाद तुम लोग देखो ये अपनी माँ के साथ क्या करती है। कि तुम लोगों ने देखा कि ये लड़की खुद चुड़ैल बनकर अपनी माँ का खून चूस लेती है। खैर इसकी माँ तो ठीक हो जाती है, लेकिन ये भी लड़की ठीक हो चुकी है, ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर वो चुड़ैल गई तो गई, कहाँ उसकी आत्मा कहाँ चली गई, इस बारे में कोई नहीं जानता है। लेकिन इस वीडियो के बारे में अब तुम्हारी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा। यार आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, इस वजह से मैंने वीडियोस 2 दिन नहीं डाली, लेकिन अब से वीडियो आने लग जाएंगी, तबीयत थोड़ी बेहतर हो चुकी है। तो चलिए मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।